अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम लोग जा रहे हैं सरना आइलैंड। तो हम लोग को डोरा जी जाना था, लेकिन हम थोड़ा पहले पहुंच गए, तो वेट किया। बस क्या आते ही बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग बैठ गए और चल दिए। सफ़र को हम लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे थे और आप लोग देख सकते हैं मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था और बादल भी काफ़ी ज़्यादा थे, तो हमें टेंशन थी बारिश ना हो जाए, लेकिन मौसम आहिस्ता आहिस्ता सही होता गया और हल्की हल्की धूप आ गई। तो आप लोग देख सकते हैं चढ़ना चाहते हुए रास्ते में कितने प्यारे प्यारे पहाड़ हैं, और आगे आप लोग देखते जाएँ और क्या क्या दिखाते हैं हम आपको। तो अभी हम लोग तो रास्ते में ही थे, काफ़ी मज़ा आया सफ़र में और हम फाइनली पहुँच गए, और अब हम वहाँ पर कर रहे हैं बोट का वेट। तो अब हमारी बोट आए तो हम जाएंगे चढ़ना आइलैंड। तो फाइनली हमारी बोट हमारे सामने आ चुकी है, बस सामान लोड हो रहा था, उसके बाद हम लोग बोट में बैठ गए और बाकी लोग भी आ रहे थे आहिस्ता आहिस्ता, और हम चलना शुरू हो गए। आप देख सकते हैं हम लोग चढ़ना आइलैंड के लिए रवाना हो गए। पानी का प्रेशर काफ़ी तेज़ था, लेकिन हम फाइनली चढ़ना पहुँच गए और ये हमारे ताहा भाई काफ़ी एक्साइटेड थे। तो आगे आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले आपके भाई ने जम की पानी में, और इस बार पानी थोड़ा प्रेशर ज़्यादा था, तो आगे हर कोई अपनी अपनी मस्तियों में मगन था। देख सकते हैं आप लोग, लड़कियां भी आराम से स्विमिंग कर रही थी, फिर क्लिफ जंपिंग की बारी आई तो एक एक करके सब ने क्लिफ जंपिंग की। आप लोग देख सकते हैं एक एक करके सब क्लिफ जंपिंग कर रहे हैं। तकरीबन जहाँ से ये लोग क्लिफ जंपिंग कर रहे हैं, इसकी हाइट है 25 to 30 feet, लेकिन लोगों ने डर निकाल के क्लिफ जंपिंग की, मज़ा आया काफ़ी। लेकिन और आप देख सकते हैं कुछ लोग मरीन लाइफ इंजॉय कर रहे हैं, इसमें लड़कियां भी स्विमिंग कर रही हैं, काफ़ी मज़ा आता है। लाइफ जैकेट के साथ कोई टेंशन नहीं होती वैसे, तो एक बार आप लोग भी चढ़ना जाके देखें, काफ़ी मज़ा आएगा। और स्कूबा की भी तैयारी हो रही है यहाँ पे। एक बहन गई थी स्कूबा करने, लेकिन वो क्या क्या लेकर आ गई, और वापस में आप लोग देख सकते हैं पानी का प्रेशर कितना ज़्यादा है, इस वजह से बोट हिलती है तो चक्कर भी आते हैं। आप देखें पानी बोट के ऊपर भी आ रहा है। तो खैर खैरियत से हम लोग पॉइंट तक पहुँच गए, और पॉइंट पे पहुंचने के बाद हम लोग फ्रेश हुए, उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया और फिर दोबारा डोरा जी के लिए निकल पड़े।